बबुनी तेरे रंग में वर्सेस मोबाइल कवर। जी हाँ, ये दोनों सुपरस्टार भोजपुरिया के गाने हैं। और आपको बता दें, एक गाना खेसारी का है तो दूसरा गाना पवन का है। और अब सोशल मीडिया पर एक और बात छिड़ गई है, और बात ये छिड़ी है कि खेसारी लाल यादव के सॉन्ग जो कि मोबाइल कवर है, जो एक हिंदी सॉन्ग है जो स्पीड रिकॉर्ड भोजपुरी 1 अप्रैल को रिलीज़ होगा, लेकिन उसका ट्रीज़र रिलीज़ किया गया उनके बर्थडे के दिन, और उसी दिन बबुनी तेरे रंग में गाना रिलीज़ किया गया। उसके पहले इस गाने का ट्रीज़र रिलीज़ किया गया था, ट्रीज़र ट्रेंडिंग में था, लेकिन खेसारी के इस गाने को अभी तक 10 लाख व्यूज़ भी नहीं मिल पाए हैं। और आपको बता दें कि खेसारी को इस गाने से बहुत एक्सपेक्टेशन थी। खेसारी का ये हिंदी सॉन्ग है और लोगों का कहना है कि खेसारी इस पे धूम मचा देंगे, लेकिन जब इसके ट्रीज़र को न ट्रेंडिंग मिली और ना ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला व्यूज़ वाइज, तो इससे खेसारी काफ़ी नाराज़ और काफ़ी आहत हो चुके हैं। वैसे खेसारी अपने फैन से अपील करें तो ये उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। वैसे भी इस गाने को अभी उतनी प्रमोशन नहीं की गई थी जितना इसे करना चाहिए था, यानी कि इस गाने का प्रमोशन ही नहीं हुआ, लोगों के बीच इस बात का पता नहीं चला। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पवन के फैंस बहुत खुश हैं, क्योंकि पवन के हिंदी वाले होली सॉन्ग को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। 2 दिन से ये गाना ट्रेंडिंग में है, और उसके पहले जो ट्रीज़र रिलीज़ हुआ वो लगातार ट्रेंडिंग में रहा, उसे व्यूज़ भी अच्छे मिले हैं। सलीम सुलेमान की जादुई म्यूज़िक है उसमें, और लोगों को ये गाना खूब पसंद भी आ रहा है। वैसे यहाँ पर लोगों ने कंपेयर करना शुरू कर दिया है कि आखिर खेसारी लाल यादव से हर मामले में पवन सिंह बेहतर इसलिए हैं क्योंकि पवन सिंह के गाने जब भी आते हैं हिंदी सॉन्ग तो वो कहर मचाते हैं, ट्रेंडिंग में रहते हैं। पिछले 2 दिनों से नंबर 3 पोजिशन पर पवन सिंह का बबुनी तेरे रंग में गाना ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब पर, और वहीं तकरीबन 3 से 4 दिनों तक उनके इस गाने का ट्रीज़र भी ट्रेंड करता रहा। अब ऐसे में खेसारी के मोबाइल कवर का कुछ अता पता नहीं चला, इस गाने का ट्रीज़र कब आया और कब गया लोगों को पता ही नहीं चला। अब तक इस गाने के जो ट्रीज़र है उसे कुछ 9.5 लाख व्यूज़ मिले हैं, यानी 10 लाख व्यूज़ अभी तक नहीं हो पाए हैं। खेसारी के फैंस को ये लग रहा है कि इस गाने को उस तरह की पब्लिसिटी क्यों नहीं दी गई जब ये एक हिंदी सॉन्ग था, यानी कि खेसारी लाल यादव की फ़ैन फॉलोइंग 1 अप्रैल का वेट कर रही है, जिस दिन ये गाना रिलीज़ किया जाएगा मोबाइल कवर स्पीड रिकॉर्ड भोजपुरी पर, तब ये दमखम ज़रूर दिखेगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।